विवेकानंद जयंती पर हिंदू अच्छा ये अपने आप में वैसे भी समसामायिक है और इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। सम्मानीय प्रदीप कुकरेचा जी, मनीष जी, रविंदर बिरवार जी, पंडित सतीश शर्मा जी, और भी मुझे बताया कि बाकी देशों से यहाँ पर डेलीगेट्स हैं। मैं भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री होने के नाते मंच पर बैठे हुए लोगों का और सामने बैठे हुए लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार एक ऐसा संयोग एक पारिवारिक कार्यक्रम में बना था बाली में, तब प्रदीप जी से चर्चा हुई और उसके बाद फिर एक दो बार और चर्चा हुई, रविंदर जी से हुई। हम सब हिंदुत्व पर गर्व भी करते हैं, हिंदुत्व के सामने जो चुनौतियां हैं उनको भी हम जानते हैं। कुछ लोग चिंतित होते हैं, कुछ लोग चिंतित नहीं होते हैं। कुछ चिंतित होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते, ये बात मैं जानबूझकर कह रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर नहीं है जो हिंदू हो और वो सोचता ना हो, ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे सरोकारों से हर व्यक्ति का संबंध होता है। मुझे लगता है कि हम जब ऐसी चर्चाओं में बैठे, जैसा मनीष जी ने कहा कि जो लोग सामूहिक रूप से देश में और देश के बाहर काम कर रहे हैं उनमें समन्वय कैसे हो। समन्वय के लिए लड़ाई जरूरी नहीं है, मतांतर ही हमारे पराभव का कारण है, ये इतिहास साक्षी है इस बात का। 2000 साल से ज्यादा पहले जब बुद्धिज्म भारत की धरती पर आया तब भगवान बुद्ध भगवान नहीं थे, तब वो अपने कल्प वृक्ष का चित्र और बाकी चीजें आर्टिफैक्ट्स में दिखेंगी आपको, वो दिखती थी। मैं भी कल इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में था, वहां पर वो दिखा है 25 साल पहले इंडोनेशिया से, बाली से, गंधार से, ढाका से, इवन मध्य प्रदेश से चीजें गई और वहां पर रखी हुई हैं। यानी देश के बाहर 2000 साल से पहले आपका राज था, ये सच्चाई है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म के पहले हमारी जो परंपराएं थी वो और श्रेष्ठ थी। बुद्धिज्म के प्रभाव के साथ में बहुत सारी तब्दीलियां हुई और उस तब्दीलियों को बहुत अच्छी तरह से अगर कोई जान सकता है तो वो आप लोग जान सकते हो। मलेशिया आप जाएं कि जहां पर मंदिर तो बना है वो कभी विष्णु का हो गया, कभी वो बुद्ध का हो गया, फिर वो कभी विष्णु का हो गया, लेकिन मंदिर था और वो 2000 साल पहले से था। और इसलिए मुझे लगता है इस पर कोई विवाद कभी हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जिनके मन में हीन भावना है उनको जो एहसास कराने की जरूरत है कि हम अपनी गलतियों से पराभूत हुए हैं, हमारे पूर्वजों की सामर्थ्य हमसे ज्यादा लाख दर्जी अच्छी थी, अब उन गलतियों को हमें काउंट करना चाहिए। कुछ को आपने चिन्हित किया, क्या गलतियां थी जिसके कारण हमने एक तकलीफें उठाई? एक तो यही था कि हम आपस में छोटा बड़ा जानने लगे, हमने संवाद और शास्त्र को किनारे कर दिया और हमारे अपने अहंकार ने हमको बड़ा नुकसान पहुंचाया। मित्रों, मैं नर्मदा परिक्रमावासी हूं, हमारे यहां पर एक बात कही जाती है कि धन का अहंकार, पद का अहंकार उतना खतरनाक नहीं है जितना अच्छे काम करने का अहंकार है। यह भी एक बड़ी कमजोरी है, आप अपने उसमें इसको भी डालिए। मैं जब कोई अच्छा काम करता हूं, सेवा का काम करता हूं और अहंकार आ जाए, इसका मतलब कि मैं सेवा नहीं कर रहा, मेरे भीतर कोई दूसरी लोकेष्णा थी जिस कारण से मैं इसमें प्रेरित हुआ। बीच में भी हो सकता है, सुबह प्रारंभ में अच्छा भाव हो सकता है, इसलिए कहा गया है कि कभी ना कभी किसी आत्म मंथन की जरूरत पड़ती है, कभी गुरु की जरूरत पड़ती है, कभी विमर्श की जरूरत पड़ती है, कभी सत्संग की जरूरत पड़ती है।
ये जो सत्संग की परंपरा थी उसका कमजोर होना भी हिंदुत्व का कमजोर होने का एक बड़ा कारण है, ये दूसरा कारण है। तीसरा मुझे लगता है कि जब कभी हम हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं तो इससे बड़ी स्टेज, सत्संग में तो हम किसी की बात सुनते हैं और मनन करके स्वीकार करते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ में हम बराबर के लोग सामने खड़े होकर बातचीत करते हैं। ये जो आप कर रहे हैं ये लगभग उसके आसपास की स्थिति है, जो काम कर रहे हैं संगठनों में अपनी ही संसाधन से, अपना समय निकालकर, अपनी सोच से, बेहतर सोच से, कमजोरियां देखकर, इसलिए तो आप कह पा रहे हैं कि मंदिर एक स्थायी व्यवस्था बन गई है लेकिन उसके परिणाम कुछ और नहीं है। समय के साथ जो तब्दीली होनी चाहिए थी, लेकिन भूमि है, भूमि महत्वपूर्ण स्थान पर है, ये भी सही है, वो कीमती है, ये भी सही है, लेकिन उसकी कीमत अगर हम एक इंडस्ट्री की तरह देखें तो उतनी बड़ी संपत्ति के अनुपात में हमें शायद ब्याज के, दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि इतना बड़ा एसेट उसके पास हो और उसका रिजल्ट उसको जीरो मिले। अब आपका कोई कह सकता है, हमारी आलोचना भी कर सकता है कि साहब आप धार्मिक दृष्टि से और वित्तीय आधार पर सोच रहे। नहीं, वित्तीय आधार पर नहीं सोच रहे, हमने समय के साथ में अपने परिवर्तन को नहीं किया, हमने विमर्श को स्वीकार ही नहीं किया। किसी ने परिवार की संपत्ति बना मान ली, किसी ने ट्रस्ट पर एकाधिकार मान लिया, यानी स्वामित्व की तरफ हम आगे बढ़ चले गए। जब मैं प्रक्रिया में था तो मैंने एक बड़ा लेख लिखा, एक आश्रम में गया तो वो वहां किसी ने उनको बता दिया कि ये तो सांसद रहा है 2 बार, तो हमारी सेवा शुरू हो गई। गुरु महाराज को तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा भाई पहले तो पूछा कहाँ रखना है, तो एक भूसा वूसा जहाँ पड़ा था वहां बता दिया। हमारा काम था, हम अपने गुरु की सेवा में थे तो हमने अपनी साफ सफाई की, 2 घंटे वो भूसा झाड़ने में लग गए। अब भूसा झा रहा तो फिर स्नान, फिर उसके बाद तो हो गए वो। तब तक तो कोई भला आदमी वहां से निकला वो, उसने हमको पहचान लिया कि जो भूसा साफ करने वाला तो प्रहलाद पटेल है। तो उन्हें जाके उनको कहा जो जिनका वो आश्रम था कि साहब ये तो वो है, तो वो खुद ही आए कि नहीं नहीं आप तो वहां आसन लगाइए। मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, मैंने उनसे कहा आप साधु तो नहीं हो सकते, जो साधु को ना पहचान पाए आप पद को पहचान रहे हैं, जिसकी सेवा में मैं लंगोटी लगा के घूम रहा हूं उसको आप नहीं पहचान पाए, आप साधु नहीं हो सकते। वस्त्र पहनने से नहीं होता ये, लेकिन ये आलोचना नहीं है, ये किसी भगवतधारी के खिलाफ आलोचना नहीं है, किसी संत के खिलाफ आलोचना नहीं है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहां हम क्या देखने बैठे हैं, धन पद। सेवा करने वाला अगर इन बातों में सोचेगा तो आप मानकर चलिए वो सेवा कभी फलीभूत नहीं हो सकती समाज के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब विमर्श को सकारात्मक दृष्टि से ले जाएं। हम बिना कुछ कहे आगे बढ़ सकते हैं क्या? मेरा सिद्धांत, हम गांव के आदमी हैं, हम गांव से काले से लौट कर गए, हमने एक नियम बनाया जो अपने से उम्र में बड़ा हो उससे भैसे नहीं कर रहा, गाली दे रहे हो नमस्कार बोलना ही नहीं, किसको समझाना, हमारी बराबर वाले से उससे नीचे वाले, यहां तक पहुंच गए। उलझते तो वहीं उलझे रहते, बहुत छोटी चीज है लेकिन ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। धरती पे जो पहले आया वो आपके आदर का पात्र है, आप अपनी योग्यता के आधार पर क्या प्राप्त करते हो वो समाज आपको देता है। तो मुझे लगता है कि छोटी चीज है लेकिन हम इस छोटी चीज को नकारे नहीं, स्वीकार करें तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात होती कि हमें किससे लड़ना, बुराई से लड़ना, भ्रांतियों से लड़ना, तो उसके छोटे छोटे रास्ते, जैसे एक रास्ता मैंने आपको बताया विवाद से बचने का था, जो हमसे उम्र में बड़ा है यार हम उससे बातें नहीं, वो आलोचना कर रहा ना कर दे दो, गाली दे रहा ना कर देने दो, हमें कुछ बोलना ही नहीं, कितने दिन देगा, अपने आप आपका रास्ता निकलेगा, आप तो अपने काम में लग रहे हो क्योंकि आप अच्छा काम मान रहे हो जो आप अच्छा काम कर रहे हो। किससे नहीं लड़ना, तो अपने ही परिवार में अगर हम अच्छा काम कर रहे हो परिवार ही सहमत ना हो और हम उसी से कुश्ती लड़ना शुरू कर दें, सारी ऊर्जा तो वही नष्ट हो जाएगी, बाहर क्या काम करने जाओगे। तो कम से कम जिनको हम सहयोगी मानते हैं भले उनसे हमारा मतांतर होगा, उनसे नहीं लड़ना, जो बात आपने भी कही कि मतलब जो हमारे तरीके हैं, कौन कह रहा है, मैं तो संघ स्वयं सेवक हूं, नियमित शाखा में नहीं जाता लेकिन संघ स्वयं सेवक हूं, बचपन से हूं,
अब राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो इसके लिए कोई सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, कितनी संघर्ष, कितनी योजना। अब कोई को उस कार्य प्रणाली पर मतभेद हो सकता है, होने दीजिए, लेकिन यहां तक पहुंचने में, इस व्यवस्था को बचाए रखने में, इसको सफल करने में शताब्दियां चली गई साहब, तब हम सफल नहीं हुए, लेकिन एक संगठन ने संकल्प लिया वो सफल हो गया, उसके लिए उसको सरकार बनानी पड़ी तो सरकार भी बना दी, लेकिन सफल तो हो गया ना। क्योंकि हमें भले हम कहें या ना कहें, लेकिन ये तो सच्चाई है कि देश का प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो इस्लामिक कंट्री में भी गए तो गीता देते और वो लेते। अभी 4 दिन पहले ईरान के संस्कृति मंत्री मुझे मिलने आए, तो मैंने उनको याद दिलाया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे यहाँ तो बहुत ईरानी होते थे, सैकड़ों की संख्या में होते थे। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे जो पिताजी हैं, उसने खुद ने मिनिस्टर ने कहा और राजदूत ने कहा, उनकी जानकारी भारत के बारे में मुझसे ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, वो सरजमी मानते हैं भारत को, मतलब पूर्वजों की जमीन मानते हैं। बोले वो चीज कहीं ना कहीं उसमें अंतर आया। अब ये एक ऐसी चीज है जो इस बात का एहसास कराती है कि कहीं कोने में उनके भी वो पूर्वजों का भाव बचा हुआ है। अब हम बाकी सतही तौर पर देखेंगे तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो हमारे कोई काम के नहीं हो सकते, कन्वर्सन हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है, इसको कोई इनकार नहीं करता, कर भी नहीं सकता। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये जो सकारात्मकता है जिस आधार पर आप लोगों ने काम करना शुरू किया, मैं प्रदीप जी के बारे में जानता हूँ, उन्होंने कहा कि साहब सारा काम बंद, अब बच्चे देखेंगे, मैं तो सब एक ही काम करूंगा, तो हमारी दृष्टि से तो ये प्रचारक हो गए संघ की, बात खत्म हो गई, और क्या आपने सुनकर होगा, मतलब प्रचारक का क्या मतलब है कि हम सब कुछ होंगे, योग्य होंगे, धन होगा, परिवार होगा, छोड़ना क्यों है, छोड़ना देश समाज और धर्म के लिए। जो कमजोरियां चौथी जो मुझे लगती है, वो लगती है वो जो आपने उसको कहा भी है, जाति, भाषा, क्षेत्र और वर्ग। एक ही जाति में अगर बड़े हैं और छोटे हैं तो उनमें भी वही भाव है, सिर्फ जाति नहीं है, जाति के भीतर भी समस्या है, वो ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसको लोग बढ़ा रहे हैं और वो बढ़ती जा रही है, हमें घटाने के लिए कुछ जरूर करना होगा, राजनीति उसमें बड़ा कारण है। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी चूंकि मैं मंत्री परिषद में हूं, मैं यहां पर कहना नहीं चाहता, आप देखना बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे, एकाधिकार खत्म हो। और इसलिए मुझे लगता है कि हम जब काम करें तो हमें कुछ सकारात्मक एजेंडे तय करने चाहिए। मैं भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे पूर्वज, उनकी पुण्याई रही होगी, उनकी कृपा है, हमारे परिवार में एक बड़ा सिद्धांत है, नया स्थान मंदिर का नहीं बनाया जाएगा, जीर्ण उद्धार करने का अधिकार आपको है, अगर मंदिर गिर रहा है, ध्वस्त हो रहा है, आपका हो नहीं हो, आप जीर्ण उद्धार करिए। और मान्यता उसके पीछे जो उन्नति है वो कह रहा हूं, आप माने ना माने जरूरी नहीं है, ये मेरी मान्यता है। उनका कहना है कि जब कभी आप देवस्थान बनाते हो तो पूर्वज तो जमीन लगा के चले गए, उन्हें मालूम था कि आने वाली पीढ़ी करेगी या नहीं करेगी, तो उनका तो वंश चल गया, लेकिन आपने किसी देवस्थान को बनाया और उसको छोड़ दिया, तो जो भरथरी लिखकर चले गए सत्ता के बारे में, वो अध्यात्म के बारे में भी है। अगर धार्मिक स्थान में पूजा अर्चना नहीं होगी तो जहां से वो दरकेगा, आप भी वहीं से दरकने वाले हैं, बात आप तय मानकर चलिए। ये प्राचीन परंपराएं अगर हम सार्वजनिक हिस्से के प्रतिष्ठानों को खड़ा करते हैं, कौन गारंटी लेगा कि इसके बाद आपकी संतान आपके का काम करेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए समाज के कामों को समाज के काम के ढांचे में ही चलना चाहिए। और इसलिए पुरानी चीजों को अगर हम जीर्णोद्धार करने का मन बना लें कि हम नहीं बनने देंगे तो भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सरल तरीका है जिससे हम चीजों से बच भी सकते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में स्थान है, उन पुराने स्थानों की मान्यताओं को आप ध्वस्त कर रहे हैं और ऊपर एक विशाल काय मंदिर बनाकर उसकी प्रतिष्ठा शुरू करके आप अपने हाथ पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अनेक स्थान बता सकता हूं, मुझे लगता है ये भी एक बड़ी गलती है,
नए स्थान बने जहां पर कुछ नहीं है, जहां आपको लगता है कि हाँ जरूरी है साधना के लिए, तो साधना के तरीके समय के अनुकूल होने चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि जो सेवा कार्य है, अब सबको लगता है कि हमें एनजीओ चाहिए, कोई कहता है हमें कुछ चाहिए, तो सेवा कोई एनजीओ फेनजीओ से नहीं होती, सेवा भीतर की ताकत होती है। मैंने बहुत तो काम नहीं किया, लेकिन जबलपुर के भूकंप में मैंने काम किया, सेना को हटाकर हमने वो गांव हाथ खोद दिया था, और कोई अनुभव हमारे पास नहीं था। हम एक कबड्डी का क्लब चलाते थे, वो अभी भी चल रहा है, उसके लोग फिट होते ही, कबड्डी खेलने वाला वैसे ही फिट होता है। हमने पूरा गांव ढहाया और उसको फिर से पुनर्निर्मित किया, उठा गया। फिर दूसरी एक बार मौका आया जब मैं DGNY के था, तो यूथ बहुत था, तो चमोली के भूकंप में, चमोली से हमारे को लेना देना नहीं, वो सारे के सातों गांव मैंने बसाए, पर कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि ये मैंने अपना नाम उसमें कहा हो या बाकी कुछ कहा हो। मैं अब हम भगवान भी लगता परीक्षा लेता है, क्योंकि मेरा स्लोगन भी है वो। पर बालाघाट में एक बांध फूट गया, हम सांसद थे वहीं, पर उस गांव को बसाया और 17 आंशिक वो थे उनको बसाया, क्योंकि मेरी मान्यता बड़ी साफ है। जब मैं गोसम घाट में काम कर रहा था तो मुझे लगता है कि आपके काम में ये वाक आ सकता है, खेत में पड़े थे, कुछ ऊपर था नहीं, एक कार्यकर्ता को उसमें भट्टे वट्टे लगे रहते थे, वो तोड़ के बना के खाते थे, रात भर वहां सोते थे, दिन भर काम करते थे। तब एहसास हुआ कि जब कभी कोई प्रकृति का परिवर्तन होता है, जिसको हम पहले दिन आपदा कहते हैं, पहले दिन कुछ आपदा नहीं होता, चाहे भूकंप आए चाहे बाढ़ आए, ये समाज की परीक्षा है भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा। यदि नेतृत्व अच्छा है तो वही चीज वरदान बन जाती है, और नेतृत्व अच्छा नहीं है तो वो अभिशाप बन जाती है, तब वो आपदा बनती है। ये आपको मौका मिल रहा है सेवा करने का, कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हो, कैसे लोगों को खड़ा करते हो, कैसे आपको बचाते हो। आज हम जितने भयभीत हैं 14वीं सदी में, इससे ज्यादा दुर्गत थी हमारी, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। आप 14वीं सदी के आसपास का इतिहास पढ़िए तो इससे बुरी हालत हमारी थी, हम बाहर सड़क पर निकलकर जा नहीं सकते थे, आज तो वैसी हालत नहीं है। तो मेरे मन में एक बात आई थी कि आपदा में धन और पद काम नहीं, पर मैंने कहा कैंप नहीं छोड़ूंगा, जी मेरा संकल्प था। ये बात इसलिए नहीं कि मैंने बहुत महान कार्य किया, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इससे कहीं ना कहीं आपको भी खड़े होने का मौका मिलेगा। कोई भगवान नहीं धरती पर, हम सब भगवान हैं, लेकिन हम निर्णय कर पाते हैं क्या सही समय पर, सही अवसर पर सही फैसले कर पाते हैं क्या, ये तो छोटी सी समझ है। और तब मुझे लगा कि यदि मैं स्वस्थ नहीं हूं, फिट नहीं हूं, तो मैं क्या दूसरे की मदद कर सकता हूं। ये भवन है, भूकंप आएगा तो मैं इस नाते नहीं बच सकता कि मैं मंत्री हूं, अगर मेरे हाथ पैर टूटेंगे तो आप ही उठा के ले जाओगे, मैं किसी को उठा के नहीं ले जा सकता। तो भगवान से क्या मांगना, भगवान से मांगिए कि भगवान इतनी सामर्थ्य देना कि मुझे उठा के कोई ना ले जाए, मैं किसी को उठा के ले जाने लायक रहूं। तो मुझे लगता है ये पैसे से नहीं हो सकता, ये पैसे से नहीं हो सकता। अगर आपको चाहिए तो मैंने वहां जो ये भाव इसलिए आया कि सारी महिलाएं एक एक वस्त्र पर गीले, बरसात में सूखा कपड़ा नहीं, बाकी को तो आप दे दोगे, किसी महिला को कैसे उतरन के कपड़े दे दोगे, और बदलेगी नहीं तो क्या होगा जी, आप जानते हो। रात भर में मैंने अपने गांव से कहा कि नहीं मुझे इतने वो चाहिए, और चुपचाप इनके घरों पर जो सूखे कपड़े जाने चाहिए। तब लगा कि वस्तु जरूरी है, व्यक्ति जरूरी है, धन और पद जरूरी नहीं है। पैसा खाओगे क्या आप, पैसा पहनोगे क्या आप, उस समय तो वस्तुएं चाहिए। लेने के लिए भी हम 26 लोग थे, अगर दो को भेज दे तो 24 बसते, वहां तो हमें आदमी चाहिए। मैं कहता नहीं, कोई सामान लेने नहीं जाएगा, नगद पैसा नहीं चाहिए, आप वस्तु लेकर आइए, टैक्सी का किराया भी आप अपने पैसे से काटिए, उसी में से करिए जितना आपको देना है, उसी में से खर्चे निकालो, ला कर दे दो, ये सूची हमने आपको दे दी। आप एक आदमी हमारा खराब क्यों कर रहा है जो मेहनत कर रहा है, आप ही जाइए ला कर उनको वस्तु दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। एक बहुत छोटा सा प्रयोग था लेकिन ये सफल रहा, उससे कभी कोई हमको नगद पैसा दे नहीं पाया। आपको ला के देना तो वस्तु ला कर दो, व्यक्ति हम हैं, आपको करना है तो आइए, किसने मना किया, हमारे साथ यहीं सोइए, काम करिए। जीवन में सेवा निजी ताकत है, हम संस्था बनाकर करें या व्यक्ति के नाते करें, कोई दुनिया में आपको रोक सकता है क्या?
किसी से सर्टिफिकेट लाइसेंस चाहिए क्या? जो चीज नहीं चाहिए बिना लाइसेंस के मिलती है उसको छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। करना है तो ऐसे कोई छोटे मोटे काम करो, पहले दिन कोई महान काम नहीं करता, इसलिए छोटे काम से शुरुआत करिए, मेरा आपसे आग्रह होगा। तीसरी बात है निजी जीवन की शुचिता। मैं अच्छा रहूंगा या बिगड़ूंगा ये तो मेरे ऊपर है, इसमें कोई ना तो आपके एक उम्र के बाद यानी व्यस्त होने के बाद 18-19 साल की उम्र के बाद माता पिता भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उसके बाद तो स्वतंत्र जीवन है, आदमी अपने रास्ते पर चलता है कि हमको किस रास्ते पर चलना है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं दुनिया भर की नहीं कह रहा, कि देखो भाई जब तक जिंदगी रहेगी मैं जीऊँगा, तुम दो टाइम की रोटी तुमको मिलती रहेगी, इतनी संपत्ति इस परिवार के पास में है। और वो कहते थे पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। आज भी 85 वर्ष के हैं, खेत जाते हैं, बढ़िया ठाट से रहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसके बाद में लोग कैसे करेंगे? तो ये निजी जो शुचिता है वो हर व्यक्ति को, चाहे हम ऊपर बैठे हों चाहे नीचे बैठे हों। और शुचिता निजी ताकत है, आपका निजी संकल्प है। मेरा आराध्य प्रभु श्रीवासी जी कहते हैं संकल्प में विकल्प नहीं होता, संकल्प में विकल्प नहीं होता। साथ में उन्होंने हमें चेतावनी भी दी कि संकल्प में विकल्प खोजने पर महानतम कार्य रुक जाते हैं। विकल्प तय आप करते हो ना, और कहते हो कि साहब ये जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है, संकल्प व्यक्ति का होता है। ना परिवार जिम्मेदार है, ना मित्र जिम्मेदार है, ना सहयोगी संगठन जिम्मेदार है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैंने तय किया है कि मैं मरने के लिए इस रास्ते से जाऊंगा, मुझे कोई रोक सकता है क्या? अच्छे काम के लिए मैं यहां से जाऊंगा, कोई साथ चले या ना चले, मुझे कोई रोक सकता है क्या? ये संकल्प हमें तय करना पड़ेगा, ये हमारी जिज्ञासा है, ये हमारी अपनी सामर्थ्य है। और इसलिए मुझे लगता है कि संगठनात्मक काम करते समय, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, ये जीवन के आभूषण है जो हमारे पास शस्त्र और आभूषण के रूप में होने चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा जो मैंने शुरुआत जहां से की थी कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो अहंकार की है। मैं कर रहा हूं तो बहुत अच्छा काम है, बाकी तो ऐसे कर रहे हैं। कार्य पद्धति तो कभी दुनिया में सबकी एक हो नहीं सकती, ये बात आप तय मान कर चलिए। मेरे आराध्य मुझसे कहते हैं, वो क्या कह रहे, अपनी बात खत्म कर रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो एक परिवार के भी कुछ लोग होंगे दो तीन, क्या सबके कपड़े का नाप एक हो सकता है? सबका नाक नक से एक हो सकता है? जूते नहीं बनते हैं भाई, जो बड़ा कॉमन चीज होती है। ये हमारे विवाद का विषय नहीं होना चाहिए कार्य प्रणाली के। हाँ कुछ मामलों में लेकिन हम एक रूप हो सकते हैं, समानता जहां हो सकती है उन चीजों को साथ में लेकर सकारात्मक भाव से आगे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी जितनी समझ है उतना मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मध्यवर्गीय किसान के यहाँ पैदा हुआ हूँ, चलते चलाते यहाँ तक पहुँच गया और जीवन भर इसी मस्ती से काम करने का आदी हूँ। मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा होती नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ जो अच्छा काम करे उसमें की मदद कर सकते हो तो मदद करो, उसकी टांग खींचने का पाप मत करना, इसलिए कोई रोक नहीं सकता है। और इसलिए हम सामूहिक तौर पर अच्छे काम करने वालों की मदद करने का संकल्प लें, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। इसी उदारता के कारण कई बार हमारा नुकसान हुआ है, ऐसा इतिहास में कई बार लगता है, लेकिन उदारता छोड़नी नहीं चाहिए। उदारता की अति उदारता ने शायद हमारा नुकसान किया होगा, तो वो जरूर विवेक एक सीमा के बाद हमारे भीतर होना चाहिए। कैसे? तो उसके लिए मेरे गुरुदेव ने जो मुझे कहा वो कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उनने कहा अग्नि देवता है, लेकिन अगर कोई बच्चा उसको छुएगा तो क्या होगा? वो नादान है, वो जानता नहीं कि अग्नि से जलेंगे, लेकिन जलेगा। आप भी जलेंगे लेकिन बच्चा भी जलेगा। अब आप कहोगे भगवान है अग्नि, उसने कैसे जला दिया? तो जब आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरेंगे तभी बच्चा जलेगा। जब तक बोले वो नादान है, जब तक उसकी परिवार से उसकी रक्षा सुरक्षा करना उसके अभिभावक का कर्तव्य है। बोले बड़ का झाड़ अगर जब लगाओगे तो साल भर होगा तो कोई भी उखाड़ कर ले जाएगा, और 10 साल का हो जाएगा तो कोई उखाड़ सकता, हाथी भी नहीं उखाड़ सकता। तो तब तक तो बाड़ लगाते हो ना आप। तो इन सावधानियों के समय अगर आप उदारता बरतेंगे
तो फिर व्यक्ति का भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा, शायद धर्म को क्षति अगर कहीं पहुंची है तो इन्हीं कारणों से पहुंची होगी। मुझे लगता है इन कमियों को दूर करने के लिए हम विमर्श करें। इस अच्छे अवसर पर मैं फिर से मंचस्थ आप सभी अतिथि मेहमानों का, सामने आए हुए विदेशी सभी डेलीगेट्स का, हमारे देश से आए हुए जिज्ञासुओं का, मैं फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप इस अवसर पर एक सार्थक विमर्श में शामिल हुए हैं, वो दिन भी अच्छा है। स्वामी विवेकानंद का आज जन्मदिन है, मैं समझता हूँ हम सब भाग्यशाली हैं, जहाँ जो हो हम अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि जो स्टैटिक्स उन्होंने बताया है उसमें कुछ आंकड़ों में जो हो सकता है, आंकड़े तो ठीक हो सकते हैं, आंकड़ों में कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको ही मुद्दे, ये छोटी चीजें हैं, कम ज़्यादा कहीं भी जानकारियाँ 10 एंगल से आते हैं, इसमें हो सकता है, और इसलिए मुझे लगता है कि इसको छोड़कर हम सकारात्मक भाव से एकजुट होकर आगे बढ़ें। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, जय श्री राम।